नीम के पेड़ की हर एक चीज हमारे लिए उपयोग की होती है। नीम का यूज कई रोगों में किया जाता है। यह अपने औषधीय गुणों की वजह से आयुर्वेदिक मेडिसिन में कई हजार सालों से इस्तेमाल हो रहा है। नीम को संस्कृत में अविष्ट भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, पूर्ण और कभी खराब न होने वाला। शरीर बैक्टीरिया से भरा हुआ है। एक सामान्य आकार के शरीर में लगभग 10 खरब कोशिकाएं होती है और 100 खरब से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। आपके भीतर इतने सारे बैक्टीरिया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके शरीर के भीतर जरूरत से ज्यादा बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। अगर शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया की तादाद ज्यादा हो गई तो आपकी तबीयत खराब रहेगी, क्योंकि आपकी बहुत सी ऊर्जा उनसे निपटने में नष्ट हो जाएगी। नीम का तरह तरह से इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया के साथ निपटने में आपके शरीर की ऊर्जा खर्च नहीं होती। नीम के कुछ पत्तों को पानी में डालकर रात भर छोड़ दे और फिर सुबह उस पानी से नहा ले। आपके बदन पर कई सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे। कई बार लोगों को किसी न किसी चीज से एलर्जी रहती है। कुछ एलर्जी जैसे त्वचा से जुड़ी हुई है, भोजन से होने वाली एलर्जी में नीम फायदा करता है। आपको करना ये है कि नीम के पत्तों को पीसकर पेस्ट बना ले, उसकी छोटी सी गोली बनाकर सुबह सुबह खाली पेट शहद में डूबा कर निगल ले। उसके एक घंटे बाद तक कुछ भी न खाए, जिससे नीम ठीक तरह से आपके सिस्टम से गुजर सके। नीम के अपने डायबिटीज बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के गुण पाए जाते हैं। नीम के तने जब छाल और कच्चे फलों में शक्ति वर्धक और मियादि रोगों से लड़ने का गुण भी पाया जाता है। इसकी छाल खास तौर पर मलेरिया और त्वचा संबंधी रोगों में बहुत उपयोगी होती है।